छिंदवाड़ा में अवैध रेत उत्खनन का कारोबार बढ़ता जा रहा है, जिससे आमजन के साथ प्रशासन भी परेशान हो गया है। पुलिस ने अवैध रेत ले जा रहे दो ट्रैक्टर पर छापा मार कार्रवाई करते हुए इन्हें जब्त कर लिया। परासिया की लोहांगी की रेत खदान पर एसडीएम और तहसीलदार ने छापामार कार्रवाई की और रेत से भरे दो ट्रैक्टर जब्त कर लिए। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा चिन्हित लोहांगी की रेत खदान में अपने रकबे से बाहर अवैध रेत खनन और रेत परिवहन किया जा रहा था। लोगों ने जिला खनिज अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से इसकी जानकारी दी थी और बताया था कि ठेकेदार के इस कार्य से प्रशासन को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रेत खदान पर दबिश दी गई और खदान के अंदर भर रहे दो ट्रैक्टर जब्त कर लिए। तो राज्य शासन द्वारा स्वीकृत खदान है, उसके संबंध में विगत 3-4 दिन से इस आशय की शिकायतें आ रही थी कि लीज करता है उत्खनन का, जिसको पट्टा मिला है, उसके द्वारा लीज से हट करके अन्य स्थान से माल खनिज का को निकाला जा रहा है, साथ ही बगैर रॉयल्टी के वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आज प्रातःकाल 8:30 बजे मेरे द्वारा तहसीलदार के साथ मौके पर दबिश दी गई। मौके पर ये पाया गया कि एक ट्रैक्टर खदान क्षेत्र से बाहर बगैर रॉयल्टी के था, जिसको जब्त कर लिया गया और दो ट्रैक्टरों को खदान से जब्त किया गया है। परासिया विधानसभा लोहांगी रेत खदान से कांग्रेस के कुछ नेता लगातार अवैध उत्खनन कर फर्जी रेत रॉयल्टी के माध्यम से रेत निकाल कर बेच रहे हैं। हमने हमारे माध्यम से एसडीएम साहब को पत्र लिखा था, तो एसडीएम साहब ने आज 3 ट्रैक्टर की जब्ती बना कर के थाने में खड़े कराए और थाना प्रभारी से भी हमने निवेदन किया कि आप रेत माफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।